बाद प्रश्न नंबर दो की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर एक आपने अच्छी तरह से ध्यान से देखना है, इसके बाद हम प्रश्न नंबर दो की बात करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये उनसे अलग है थोड़ा सा, तो करना वैसे ही है। माना 3+2√5 एक अपरिमेय, तो क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको किसके रूप में लिखेंगे, P/Q 3+2√5। यहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है और Q≠0। तो यहां देखिए हमें इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में जो ये √5 है वो अपने पास रखना है, बाकी चीजें उस तरफ लेके जानी है। तो मैं सबसे पहले 3 को इस तरफ लेके जा रहा हूं, यहां बचा 2√5। अब 3 के नीचे 1 लगाएंगे, ये बन जाएगा भिन्न, भिन्न में एलसीएम लेंगे Q1 Q। अब यहां पे देखिए क्यू की क्यू से भाग करेंगे, 1 आएगा 1 की पी में माइनस, 1 को क्यू से करेंगे क्यू और क्यू की 3 में 3Q 2√5। अब देखिए यहां पे हमें सिर्फ √5 अपने पास रखना है, 2 को भी इधर लेके जाएंगे, P-3Q 2Q बराबर √5, क्योंकि जो ये 2 है इस तरफ लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे यहां P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी है।